नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वसई विरार शहर में फैल रहे नशे के बारे में अवगत कराते हैं। आपको बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आज परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं वसई तालुका की कि जो 10 वर्ष से भी कम आयु के बच्चे नशे के आदि बनते चले जा रहे हैं। आसानी से कहीं भी किसी भी दुकान पे गुटखा बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज हम आपको वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो तस्वीरें देखकर शायद आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जरूर सताएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत धानी बाग की यह तस्वीर, जो कि सुदर्शन स्कूल के पीछे कुछ बच्चे जो नशा ले रहे थे। वो नशा इस प्रकार था कि वो नशा एक जो फर्नीचर बनाने के लिए कोई केमिकल का उपयोग किया जाता है, उस केमिकल को वो दुकान से ख़रीद के लाते हैं और दुकान से ख़रीद के लाने के बाद उसे वो कपड़ा डाल के उसके सूंघते हैं और उससे वो नशा उनके अंदर आता है। तो आप समझिए कि इस ये विषय कितना गंभीर है, क्योंकि बच्चों की उम्र लगभग 10 या 10 से 12 15 के उससे भी कमी है उन बच्चों की। और आपको हम इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे, परंतु हम उन बच्चों का चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे। आप समझ सकते हैं किस कारण उनका चेहरा नहीं दिखा रहे। तो आइए आपको पूरी तस्वीर उन बच्चों की जुबानी सुनाते हैं। रुको बेटा, एक मिनट, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लाला। कहाँ रहते हो? जादूपाड़ा। तुम्हारा नाम? सुहेल। पूरा नाम? खान। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम नहीं मालूम, भूल गए, नहीं याद नहीं है। यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ मेरी मम्मी रहती है। और कौन है? बस खाली अपनी मम्मी के साथ में। पप्पा नहीं है? पप्पा गाँव में रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा बेटा? पूरा नाम? हाँ, आकाश। और पूरा नाम रहेगा ना? पप्पा का नाम क्या है? पप्पा का नाम? कितने साल के हो? पप्पा का नाम? तुम कहाँ रहते हो? हम तालाब पे रहते हैं। कौन से तालाब पे? चाली का नाम क्या है? चाली का नाम क्या तुम्हारे? चाली का नाम नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नए आए हो? कितना साल? कब से यहाँ पे, कब से रह रहे हो? तीन चार महीना हो गया। अच्छा, आप लोग जो नशा ले रहे थे उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कहाँ से सीखा आप लोगों ने? अच्छा, तो उसने आपको बताया ऐसा पीते का? कब से आप लोग पी रहे हो सर? कितने साल से पी रहे हो? कितने साल से पी रहे हो आप लोग? आज ही पहली बार पी रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो आप कहाँ से लाए बताओ? ये कहाँ, कौन सी दुकान से खरीदते हो? सच्ची सच्ची बताना है बेटा, बेटा सच्ची सच्ची बोलो। बोल उधर, कहाँ से खरीद के लाए? खरीद के लाए, पाए अलग अलग होते हैं। इसको इसको क्या करते तुम लोग, कैसे पीते हो इसको? रुकना जरा, उसको बराबर मालूम है, पीते नहीं उन लोग तो कैसे मालूम है कैसे खुलता है, कैसे नहीं तो कैसे क्या करने का इसको, कैसे पीते उसको? मतलब कैसा, मतलब कि ये है, इसके ऊपर आप कपड़ा डालते हो? बताएगा बताएगा, उसको बता रहे हो, बता बता करके कपड़ा सूंघते हो, उससे क्या होता है? कपड़ा में ये किधर नाक पे सूंघते है कि मुंह पे? मुंह से लेते हो नाक से? मतलब इससे क्या होता है, नशा होता है? तू भी लेता है? अब नहीं करेगा, मतलब अभी करते थे, अभी नहीं करेगा। कितने दिन से करते थे आप लोग सर? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो तुम लोगों को मालूम कैसे पड़ा कि ये सब नशे वाली चीजें हैं? अरे तुम्हारी, तुम लोग भी करोगे? चल चलो तालाब में उड़ी मारो तीनों जन। और गुटखा कहाँ से लाए थे? गुटखा कहाँ से मिला? कहाँ, कौन से दुकान से? दुकान से खरीदे। कौन से दुकान से, कौन से दुकान से लाया था गुटखा? कौन से दुकान से लाया था? कौन सा? स्पीड 7, स्पीड 7 40 रुपए का। कौन खरीद के लाया? 40 रुपए का है।
कौन खरीदा रहे? ये खरीद के लाए? आप खरीद के लाए? हाँ वाली से लाए। झूठ मत बोलिए, आप बताइए आप खरीद के लाए? पहले कोई मारेगा नहीं, सही सही बताओ। ये सब क्या आते क्या है आपके? ये सब देखो, ये बोलता मैं टेंशन, ये सब क्या है बेटा, क्या टेंशन है आपको बताओ? आपको टेंशन क्या बताओ? ऐसा है मतलब आप लोग ब्लेड भी रखे हो क्या बैग में? चेक कर जरा, मुझे चेक कर एक बार, जेब में ब्लेड ब्लेड है क्या? ये वो कपड़ा है। अभी आप देख रहे थे कि किस प्रकार वसई विरार तालुका के छोटे छोटे बच्चे नशे के आदि होते जा रहे हैं। आप उनकी जुबानी ही सुन रहे थे, हालांकि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते पूर्ण रूप से, इसलिए हम आपको उन बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखाए। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि वसई तालुका में कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो विकास का दम भरती हैं और अपने समाज में नया परिवर्तन लाने की बात करती हैं, परंतु इन नशे के आदि बच्चों के लिए क्या कर रही हैं? क्या कभी पालघर पुलिस इस विषय को संज्ञान में ले पाएगा और फैल रही इस सामाजिक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, या फिर कोई ऐसी कुछ योजना है पालघर पुलिस के पास कि वो ऐसे कोई मुहिम चलाएं कि जिससे ऐसी नशे को बच्चों से कम तो दूर रखा जाए? आप देख रहे थे लोकल खबरें, और भी ऐसी खबरें हम आपके पास लेके आएंगे।